तो हाय गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इस बात पर। मैं शुजुद्दीन और आप लोग देख रहे हैं इस बात का YouTube चैनल। तो दोस्तों, जिसका मोबाइल के अंदर से गेम का कोई भी सेटिंग ढूंढकर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए दोस्तों आज ये वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखना होगा, ओके। जिसका मोबाइल के अंदर से गेम का कोई भी सेटिंग नहीं है दोस्तों, अभी जो फिलहाल न्यू मोबाइल लॉन्च हो रहा है मार्केट में, सभी मोबाइल के अंदर से दोस्तों गेम का फीचर्स दे रहा है, लेकिन दोस्तों ऑनलाइन गेम तो अभी तो ऑनलाइन गेम का मार्केटिंग दोस्तों ज़्यादा चल रहा है, इसलिए दोस्तों हर तरह मोबाइल के अंदर से, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर से हम लोगों को गेमिंग फीचर्स देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों जो ओल्ड मोबाइल होता है उसके मोबाइल के अंदर से नहीं मिलता है, और जो न्यू मोबाइल है दोस्तों उसके अंदर से दोस्तों सेटिंग ढूंढ कर नहीं मिल रहा है, ओके। ये ऐसे ही प्रॉब्लम होता है। तो जिसका मोबाइल के अंदर से गेम का कोई भी सेटिंग नहीं है, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहना, ओके। खास करके दोस्तों ओप्पो और रियलमी मोबाइल जो बंदा यूज़ कर रहे हैं उसके मोबाइल के अंदर से गेम स्पेस अल्ट्रा गेम में जो भी है दोस्तों गेम का सेटिंग ढूंढ कर नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना होगा। उसके बाद दोस्तों इसका तुम लोग कैसे यूज़ कर पाएंगे सब कुछ डिटेल्स में बताऊँगी, और उस सेटिंग दोस्तों तुम लोग कैसे सेट करना है वो भी दिखा दूँगी, ओके। तो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों नीचे लाल बटन देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वाला घंटी बटन को प्रेस कर दो, इससे क्या होता है आने वाला टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिल जाएगा। तो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहो। दिखाने वाला वो आज रियलमी मोबाइल के अंदर से और ओप्पो मोबाइल के अंदर से दोस्तों सेटिंग ढूंढकर मिलता है कि नहीं मिलता है, और दोस्तों सेटिंग कैसे सेट करना है और गेम को कैसे एंजॉय करना है, तो बिना स्किप करके जरूर एंड तक देखते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना भूलना मत, ओके। तो चले फर्स्ट हम लोगों को काम क्या है दोस्तों, मोबाइल का सेटिंग के अंदर चले जाना होगा। मोबाइल के सेटिंग के अंदर आने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम लोगों को सेटिंग देखने को मिलता है, तो लेकिन फिलहाल हमारा मोबाइल के अंदर से वो सेटिंग नहीं मिलता है। जैसे कि दोस्तों रियलमी और ओप्पो मोबाइल के अंदर से हम लोग को गेम स्पेसिफिक सेटिंग देखने को मिलता है, ओके। तो यहाँ पर से देखो भाई, हम लोगों को मोबाइल के अंदर से गेम स्पेसिफिक सेटिंग कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है दोस्तों, ये सभी को बता दूंगी, तो बिना स्किप करके जरूर देखने तक, ओके। तो यहाँ पर से देखो भाई, हम लोगों को सेटिंग कैसे आना है और कैसे सेट करना है, हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी, इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, नोटिफिकेशन सब कुछ दोस्तों प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि मेरा मोबाइल के अंदर से गेम स्पेस सेटिंग नहीं है, बहुत सारा बंदे होगा जिसका मोबाइल के अंदर से गेम स्पेस सेटिंग नहीं मिल रहा है ढूंढ कर, तो कैसे आना है जरूर देखो। तो बिना स्किप करके एंटर देखो। तो बोलना भूल ही गया दोस्तों, जिसका मोबाइल का एंड्रॉयड वर्सन दोस्तों, फिलहाल मेरा मोबाइल के अंदर से एंड्रॉयड वर्सन मैं देख लेता हूँ, तुम लोगों का मोबाइल के अंदर से दोस्तों एंड्रॉयड वर्सन अपडेट करना होगा, ओके। एंड्रॉयड वर्सन अपडेट करने के बजाय हम लोगों को दोस्तों जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि दोस्तों हम लोगों का जो गेम का सेटिंग होता है वो प्रॉब्लम होता है दोस्तों एंड्रॉयड वर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर से मेरा एंड्रॉयड वर्सन दोस्तों 10, जिसका मोबाइल के अंदर से दोस्तों एंड्रॉयड वर्सन 10 के अंदर कौन कौन सेटिंग दोस्तों हम लोग को यूज़ करना है, कौन कौन वर्सन दोस्तों हम लोग को जो एप्लीकेशन होता है सेटिंग का एप्लीकेशन होता है दोस्तों हम लोगों को एप्लीकेशन को यूज़ करना होगा, जैसे कि ऑफिशियल एप्लीकेशन दोस्तों वो सेटिंग का होगा, और उसके बाद दोस्तों एंड्रॉयड 10 का अलग का होगा, एंड्रॉयड 11 का अलग होगा, ओके। तो वीडियो को देखो, आज बताने वाला हूँ एंड्रॉयड 10 का कौन सा यूज़ करना है और एंड्रॉयड 11 का कौन सा यूज़ करना है, ओके। तो बिना स्किप करके जरूर एंड तक देखते रहना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, एक ऑफिशियल एप्लीकेशन होता है, हाँ हर तरह नहीं दोस्तों, रियलमी मोबाइल और ओप्पो मोबाइल के अंदर से एक ऑफिशियल एप्लीकेशन होता है गेम स्पेस, ओके। तो फिलहाल यहाँ पर से देख लीजिए, गेम स्पेस लिखा, सर्च किया, कोई भी गेम स्पेस कोई भी एप्लीकेशन नहीं शो कर रहा है, लेकिन दोस्तों हम लोग गेम स्पेस को यूज़ करना होगा, उसके बाद हम लोगों का जो प्रॉब्लम तकलीफ है दोस्तों व्हाट्सअप इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन वो भी गेम खेलने का टाइम हम लोग को ये तकलीफ होता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग को ये वाला जो गेम स्पेस सेटिंग मैंने लिखा है ये सेटिंग को हम लोगों को ऐड करना है सेटिंग के अंदर। कैसे ऐड कर पाएंगे हम लोग, तो बिना स्किप करके जरूर देखो, लाइक करना भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मैंने अपडेट कर लिया, तो चलिए दोस्तों अब सेटिंग के अंदर चलकर तुम लोगों का दिखाता हूँ, जहाँ पर से हम लोगों को जो गेम स्पेस सेटिंग ढूंढकर पहले तो नहीं मिलता है, तो लेकिन अभी मिलता है कि नहीं मिलता है, तो चलिए सेटिंग के अंदर चलकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सेटिंग का ऊपर क्लिक किया, सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के साथ साथ दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम लोग को जो सेटिंग गेम स्पेस सेटिंग देखने को मिलता है, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर से गेम स्पेस सेटिंग आ गया, ओके। तो यहाँ पर सेटिंग के अंदर से हम लोग गेम स्पेस सेटिंग को दोस्तों ऐड करना है, सेटिंग के अंदर कैसे ऐड करके, ये तो ऑफिशियली है दोस्तों मोबाइल का, हम लोग को तो कोई भी
टेक्निकल हैकर वगैरह हम लोगों को तो नहीं है ना, तो इसलिए दोस्तों हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों तो यहाँ पर से गेम इस पर सेटिंग को दोस्तों यहाँ पर सेटिंग के अंदर सेट करना है। तो सेटिंग के अंदर हम लोग आने के दोस्तों तो रियलमी की ओप्पो की जो कंपनी उसके साथ की बात करूँगी हम लोगों तो यहाँ पर से गेम इस सेटिंग आने के लिए। तो दोस्तों हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को अपडेट करना है। अपडेट करके तो हम लोग यहाँ पर से गेम इसमें सेटिंग देखने को मिल जाएगा। जिसका मोबाइल का अंदर था दोस्तों गेम इसमें सेटिंग यहाँ पर से ढूंढ कर नहीं मिल रहा है, गेम इसमें सेटिंग नहीं है, तो कैसे आना है दोस्तों, मेरा टेलीग्राम पर चैनल पर चले जाओ, टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर से लिंक है दोस्तों, वहाँ पर से अपडेट कर लो। फर्स्ट टेलीग्राम चैनल का अंदर चले जाओ, वहाँ पर से ज्वाइन हो लेना दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो गेम इसमें का अपडेट लिंक वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ पर से दोस्तों तुम लोग अपडेट कर पाओगे। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर से दोस्तों यहाँ पर से इसको ओपन करता, यहाँ पर से दोस्तों हम लोगों को तीनों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हाइड गेम आइकन होम स्क्रीन। तो यहाँ पर से दोस्तों होम स्क्रीन पर हम लोगों को गेम आइकन का जो लोगों का वो गेम स्पॉट ढूंढकर नहीं मिलेगा, गेम सिर्फ फ्री फायर पबजी जो कॉल ऑफ ड्यूटी जो भी गेम है दोस्तों यहाँ पर से आइकन हाइड हो जाएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों लॉन्च स्क्रीन एनिमेशन, तो हम लोग इसको ऑन कर सकते हो नहीं कर सकते, तो हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोगों को जो मेन काम है दोस्तों, हम लोगों को क्या होता है जो इनकमिंग कॉल आउटगोइंग कॉल नोटिफिकेशन दोस्तों ये अपडेट है ओनली फॉर एंड्रॉइड 10। ओके, एंड्रॉइड 10 और एंड्रॉइड 11 का अपडेट के लिए दोस्तों हम लोग को थोड़ा वेट करना होगा। तो इस वीडियो का एंड तक बता दूंगी, तो एंड्रॉइड 10 कैसे अपडेट करना है, एंड्रॉइड 11 कैसे अपडेट करना है इस वीडियो का एंड तक बता दूंगी। ओके, तो फिलहाल दोस्तों हम लोगों को जो ऑफिशियल एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल किया है, तो चलिए हम लोग उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर से देखो गेम स्पेस लिखकर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर से देखो भाई गेम स्पेस सेटिंग आ गया, पहले तो नहीं आया था मोबाइल के अंदर से नहीं था, लेकिन दोस्तों अभी तो आ गया है। ओके, तो हम लोग इसको कैसे यूज़ कर पाएंगे, जिसका मोबाइल के अंदर से नहीं होता है तो न्यू लगता है, तो यहाँ पर से कैसे यूज़ कर पाएंगे, और जिसका दोस्तों है अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और दोस्तों लाइक करना भूलना मत। ओके, तो यहाँ पर से देखो फर्स्ट इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के साथ साथ दोस्तों हम लोगों के सामने ऐसे पेज आएगा। ओके, तो यहाँ पर से हम लोग को कैसे दोस्तों गेम को ऐड कर पाएंगे, दोस्तों हम लोग इनकम कॉल नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ करने के लिए दोस्तों हम लोग को एक काम करना होगा, यहाँ पर से दोस्तों गेम को ऐड करना होगा, ऐड थीम टू गेम स्पेस। ओके, तो इसके ऊपर क्लिक करो, ऐड थीम टू गेम स्पेस, इसके ऊपर क्लिक करने के साथ हम लोग को ऊपर दोस्तों जितना सारा एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर से जितना सारा एप्लीकेशन देखता है यहाँ पर से सब कुछ शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर से दोस्तों जितना सारा एप्लीकेशन है सब शो कर रहा है, तो हम लोग दोस्तों फ्री फायर पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी जो भी गेम खेलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर से दोस्तों मैं फ्री फायर कर देता हूँ, यहाँ पर से फ्री फायर को ओपन कर दिया। ओके, यहाँ पर से बैक कर देता हूँ, यहाँ पर से फ्री फायर ऐड हो गया। एवर आप क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर से दोस्तों हम लोग जो ऑप्शन कॉल वैकेशन ऑप्शन को हम लोग कैसे सेट कर पाएंगे, यहाँ पर से दोस्तों अलग अलग सेटिंग मिलते हैं, तो हम लोग को देश सेटिंग का काम नहीं है, तो हम लोग कहाँ पर से सेटिंग ढूंढ कर मिलेगी, यहाँ पर से दोस्तों हम लोग जो जो सेटिंग के अंदर दिखाया था वो ढूंढ कर मिल रहा है। तो इसलिए तो हम लोग क्या करना है दोस्तों, ये वाला लोगो देख लो ऊपर स्वाइप करो। ओके, यहाँ पर से देख लो ऊपर स्वाइप करो, सब कुछ सेटिंग खुलकर आ गया। ओके, तो यहाँ पर से दोस्तों लो पावर मोड, लो पावर मोड से हम लोग दोस्तों गेम खेल सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग को बैटरी का जो माइनस होता है दोस्तों हम लोग बैटरी का जो एक पावर होता है दोस्तों हम लोग को जो अभी तो पावर है दोस्तों 49% बैटरी का चार्जेस है। ओके, तो हम लोग को लो पावर मोड के हम लोग गेम खेलेंगे तो हम लोग को बैटरी का दोस्तों प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो इसलिए दोस्तों हम लोग लो पावर मोड से गेम नहीं खेलेंगे, हम लोग को दोस्तों बैलेंस मोड, यहाँ पर से देखिए अलग अलग कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर से बैलेंस मोड दोस्तों हम लोग कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर से ग्रीन कलर की हो गया। ओके, तो यहाँ पर से दोस्तों हम लोग खेल सकते हैं गेम को। ओके, उसके बाद यहाँ पर से देखो भाई कंपटीशन मोड, कंपटीशन मोड से हम लोग क्या होता है दोस्तों रेड कलर, कंपटीशन मोड से हम लोग गेम दोस्तों परफेक्टली चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं, स्मूथली चलेगा। ओके, दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम लोग गेम जब भी प्ले करोगे गेम स्पेस के अंदर से ही प्ले करो, क्योंकि दोस्तों गेम स्पेस के अंदर से ही प्ले करोगे तो कोई भी लैग वगैरह का दिक्कत नहीं होगा। ओके, उसके बाद आता है दोस्तों ऑटोमेटिकली रेजुलेशन, हम लोग रेजुलेशन का गेम का रेजुलेशन होता है दोस्तों हम लोग ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको ऑन कर देते हैं। ब्राइटनेस सेम टू सेम दोस्तों लॉक हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों नेटवर्क ये ऑन कर सकते हैं दोस्तों, नेटवर्क थोड़ा ठीक से चलेगा। तो हम लोगों का जो मेन दिक्कत है दोस्तों हम लोग इनकमिंग कॉल आउटगोइंग कॉल नोटिफिकेशन सब कुछ, तो यहाँ पर से दोस्तों नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का दोस्तों हम लोग को मोबाइल के अंदर से जितना सारा एप्लीकेशन होता है, तो जैसे कि दोस्तों हम लोग न्यूज़ वगैरह एप्लीकेशन देखता है, और उसके बाद दोस्तों ऑफिशियल अदर्स कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, तो नोटिफिकेशन तो आता ही है, और गेम खेलने का टाइम ज़्यादा दोस्तों हम लोग को लैग करता है। ओके, तो लैग करने का तो हम लोग ये प्रॉब्लम तो दोस्तों सॉल्व करने के लिए हम लोग को
बहुत सारा बंदे दोस्तों नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम फेस करता है, तो फेस करना पड़ता है ओके। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर से ब्लॉक नोटिफिकेशन को हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, तो ब्लॉक नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर देगा तो हम लोग को क्या होता है दोस्तों, दिक्कत कोई भी नहीं होगा, हम लोग को गेम खेलने का टाइम दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा ओके। तो यहाँ दोस्तों ये है एंड्रॉइड 10 का जो अपडेट है, न्यू वर्जन का अपडेट, तो ये अपडेट दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ओके। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों एंड्रॉइड 11 का भी अपडेट मिल जाएगा दोस्तों, एंड्रॉइड 11 दोस्तों एंड्रॉइड 10 के अंदर दोस्तों इंस्टॉल मत करना, क्योंकि दोस्तों काम नहीं करेगा 100% दोस्तों काम नहीं करेगा। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों लिंक दिया है दोस्तों, जरूर एंड्रॉइड 11 का जो लिंक है दोस्तों वो लिंक तुम लोगों का मोबाइल के अंदर से 100% वर्क करेगा ओके। तो यहाँ पास रिजेक्ट कॉल, रिजेक्ट कॉल को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऑन कर देंगे। इसको ऑन कर देगा तो हम लोगों को दोस्तों क्या प्रॉब्लम है, जो मान लीजिए हम लोग गेम खेलते हैं, गेम खेलने का टाइम दोस्तों कोई भी ब्रेंड दोस्तों वगैरह सब कुछ फोन करते हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, इनकमिंग कॉल आ रहा है, जो ऑफिशियल कॉल होता है दोस्तों सब कुछ आ रहा है। तो गेम खेलने का टाइम दोस्तों कॉल आएगा तो हम लोगों को दोस्तों एक प्रॉब्लम होता है दोस्तों, गेम का साउंड ऑफ हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों जिसके साथ बात कर गए उसको बात सुनाई दे नहीं दे रहा है, लेकिन जिसके साथ कॉल में बात करेंगे उसको कॉल सुनाई देगा, और इनकमिंग कॉल आएगा तो दोस्तों हम लोगों को गेम तो लैग करेगा ही करेगा। तो दोस्तों ये बहुत सारे बंदे ने कमेंट किया दोस्तों, एक साथ हम लोग कॉल कर पाएंगे उसके बाद दोस्तों हम लोग गेम का साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। दोस्तों एक बात बोलूंगी दोस्तों, इंडिया जो गेम का सर्वर होता है और जो कंपनी का जो सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो दोस्तों, मान लीजिए तुम जियो का सिम यूज़ करो, जियो का सर्वर और कंपनी का ये फ्री फायर का सर्वर दोस्तों एक टाइम यूज़ करके तो जो ये नहीं होता दोस्तों, एडजस्ट नहीं होता है, इसलिए दोस्तों हम लोगों को जो वॉइस का मिसिंग प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए दोस्तों हम लोगों को कई कई बार दोस्तों गेम का साउंड नहीं होता। इसलिए बोल रहा हूँ तुम लोगों को क्या करना चाहिए दोस्तों, फास्ट मान लीजिए किसी का फ्रेंड के साथ तुम लोग बात करना चाहते हो, अभी गेम खेलना चाहते हो, इसलिए तुम लोगों का क्या करना चाहिए दोस्तों, फास्ट कॉल लगाना होगा किसी का, उसके बाद दोस्तों उसके बाद गेम को ओपन करना है। इसलिए दोस्तों गेम बाद में ओपन करके तो दोनों साउंड एक साथ सुनाई देगा, गेम का साउंड सुनाई देगा, उसके बाद जिसके साथ दोस्तों बात करके उसका साउंड भी सुनाई देगा। तो तुम लोग वो सेटिंग पहले आगे कॉल कर लेना, उसके बाद दोस्तों गेम को ओपन करना ओके। तो एंड्रॉइड 11 जो बंदा दोस्तों अपडेट नहीं दिया है, गेम के अंदर चले जाओ, टेलीग्राम के अंदर चले जाओ, वहाँ पर से दोस्तों एंड्रॉइड 11 का अपडेट का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वहाँ पर से तुम लोग अपडेट कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों एंड्रॉइड 10 का जो लिंक है वो वहाँ पर से टेलीग्राम के अंदर से तुम लोग का मिल जाएगा ओके। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर से जिसका रिजेक्ट कॉल ब्लॉक करना चाहते हो, गेम खेलने का टाइम दिक्कत है तो इसको ऑन कर दोगे, जिसका कॉल दोस्तों नहीं आ रहा है रिसीव करना चाहते हो तो इसको ऑफ कर दो। कई कई बार दोस्तों क्या होता है दोस्तों, कोई भी इम्पोर्टेंट कॉल जाता है, इसलिए दोस्तों गेम को हम लोगों गेम खेलने का टाइम दोस्तों जिसका कॉल आएगा तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, कॉल नहीं आएगा तो एक मिस्ड कॉल आ जाएगा, तो जिसका कॉल रिसीव करना चाहते हो दोस्तों इसको ऑफ करके रखना ओके। तो ये आज का वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और दोस्तों तुम लोग अगली वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने।